हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टाइम। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ढोकला की रेसिपी। देखिए कितने सॉफ्ट और स्पंजी हैं। ये देखिए इनका स्पंज देखिए। और दोस्तों, हम अपने हर वीडियो के एंड में एक टिप देते हैं, तो अगर आपको हमारी टिप जाननी है तो हमारा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। और ये ढोकले आप घर पर जरूर बनाइए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ढोकला बनाने के लिए दोस्तों मैंने ये 2 कटोरी बेसन लिया है और ये 1 कटोरी दही लिया है। इसी कटोरी से मैंने ये बेसन लिया है, इसको हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे, ये सब अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों देखिए, मैंने इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। इसको 4-5 घंटे के लिए हम फूलने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों देखिए, इसे रखे हुए में 4 घंटे हो गए हैं, ये थोड़ा सा फूल गया है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे। इसमें हम 1/2 चम्मच सोडा डाल देंगे। तो दोस्तों, सोडा डाल के मैंने देखिए इसको 5 मिनट अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसको एक बर्तन में रख देंगे जिसमें हमें ढोकला पकाना है। तो दोस्तों देखिए, मैंने इस बर्तन को अच्छे से तेल से ग्रीस कर लिया है और इसमें ये ट्रांसफर कर देंगे बैटर। मैंने पूरा बैटर इस पे ट्रांसफर कर लिया है। अब चलिए गैस पे हम कढ़ाई रख देते हैं पानी डालकर, जिस पे हमको ये पकाना है। दोस्तों देखिए, मैंने इसे पानी डाल दिया था, अब ये गर्म हो गया है। इस पे हम एक स्टैंड रख देंगे। ये ढोकले वाला बर्तन रख देंगे इसमें हम। इसको हम एक थाली से या जिससे आप ढकना चाहें आराम से, जिससे इसकी स्टीम बाहर ना हो, उससे ढक के 20 मिनट तक के लिए पका लें। इसका फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और 20 मिनट तक के लिए पकाएंगे। तो दोस्तों देखिए, 20 मिनट हमारे हो गए हैं। अब ढोकला खोल के चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे से फूल कर तैयार हो गया। चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है। ये हमारा बहुत अच्छे से बनकर रेडी है। अब इसको हम ठंडा होने तक का इंतजार करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये ठंडा हो गया है। अब चलिए इसकी हम थोड़ा सा साइड लूज कर लेते हैं। अब चलिए हम एक प्लेट ले लेते हैं, उसमें इसको हम पलट देंगे। दोस्तों देखिए, कितना स्पंजी और कितना जालीदार बना हुआ है हमारा ढोकला। बहुत अच्छे से पका है। अब चलिए इसमें हम थोड़ा सा तड़का लगा देंगे। तो दोस्तों, तड़का लगाने के लिए देखिए, मैंने तड़का पैन में तेल डाल के रख दिया है। ये गरम हमारा हो गया है। इसमें थोड़ी सी राई डाल देंगे। राई हमारी हो गई। अब हमने हरी मिर्च थोड़ी सी काटी, उसको डाल देंगे। दोस्तों तड़का, अब चलिए हम इस पे डाल देते हैं ढोकले पे। मैंने देखिए तड़का इसमें अच्छे से डाल दिया। अब हम इसके पीसेस काट लेंगे। दोस्तों देखिए, मैंने इसके सारे पीसेस काट लिए हैं।
ये बहुत अच्छे से ढोकले हमारे बनकर तैयार हुए हैं। ये रेसिपी आप घर पे जरूर ट्राई कीजिए। अब टाइम है टिप का। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मसाले अक्सर इस मौसम में, बारिश के मौसम में खराब होने लगते हैं, जैसे हल्दी, मिर्चा, धनिया, ये खराब होने लगता है। तो इसमें आप एक एक चम्मच नमक डाल के डिब्बे में अच्छे से बंद करके रख दीजिए, तो ये मसाले आपके जैसे के वैसे ही बने रहेंगे। और आपको अगर आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।